एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जियोलॉजी हाउ टू हॉट। माय नेम इज प्रयत्नशीला एंड आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। मेरा और एक वीडियो है जो कि एमिनो एसिड के ऊपर है, जहां पर मैं एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड एंड कुछ रेयर एमिनो एसिड के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं और यहाँ पर दिमाग में रखना चाहते हैं तो कुछ जरूर देख लीजिएगा वो वाला। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज रखी हूँ। सरप्राइज मतलब ऐसे कुछ चीज़ नहीं, बस कुछ बोलूँगी जो कि आपको भी पता होना चाहिए आपके ब्रेन के लिए और कुछ याद रखने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए। सो पहले हमारा ये वाला खत्म कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एमिनो एसिड, मैं यहाँ पे फिर से लिख दी हूँ। हमारा ये सात प्रकार, सेवन टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड होते हैं। पहला है एलिफैटिक, हाइड्रोक्सी एलिफैटिक, एरोमैटिक, फिर आ गया बेसिक, एसिडिक एंड अमाइड साइड चेन वाला एंड सल्फर कंटेनिंग वाला। ओके, एलिफैटिक मतलब भी बताई थी, उसमें साइड वाला चेन जो है पहले भी बेसिक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर को मैं बता देती हूँ। मैं आपको जैसे बताई थी, आप अपना नाम जैसे याद रख रहे हैं, प्लीज़ आप ये एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर भी वैसे ही याद रखिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर यू मस्ट, वो आपको याद रखना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा एमिनो एसिड का, एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, और क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे रहेगा एमिनो ग्रुप रहेगा, और एक ठो साइड चेन रहेगा। इसको आप याद रखना है, मैं आपको बोली थी। एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ द एमिनो एसिड, जो कि हर एमिनो एसिड में, इसमें जितने सारे एमिनो एसिड है वहां पे ये वाला पार्ट कॉमन रहेगा। एंड दिस वन इज वेरिएबल, ये सिर्फ ये आर अलग होने से, ये वाला चेन अलग होने से ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म हुए हैं। अभी सिर्फ हमको पता लगाना है कि ग्लाइसिन में ये आर का स्ट्रक्चर क्या है, एलानिन में ये आर का स्ट्रक्चर क्या है, बस उतना और कुछ नहीं, ठीक है। और ये वाला, ये सारे में कॉन्स्टेंट है, बैकबोन है, ये सब में प्रेजेंट है। तो एलिफैटिक मतलब क्या है, मतलब अल्काइल चेन हो गया, वैसे सारे चेन प्रेजेंट होते हैं एलिफैटिक में। पहले ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन के बारे में मैं कुछ डिफरेंट हूँ, क्या बोली थी, ग्लाइसिन जो सबसे सिंपलेस्ट वाला एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैं पहले वीडियो में बताई थी। अगर आप ये वाला वीडियो पहले देख रहे हैं तो आप नोट कर दीजिएगा कि द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, क्योंकि हमारा जब एट कुछ बना नहीं था, कुछ फॉर्म नहीं हुआ था, एट में सिर्फ पानी ही पानी था और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, तब वो सारे मिलकर के पहले जो सिंपलेस्ट वन जो अमीनो एसिड बना था वो है ग्लाइसिन। वो कैसे सिंपलेस्ट है, वो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है सिर्फ ये आर के बदले में सिर्फ एच आ जाएगा। दिस इज ग्लाइसिन, कितना सिंपल है ना। सो दिस इज ग्लाइसिन। एलानिन में ये आर के बदले में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, CH3 होगा, CH3, ये रहा एलानिन। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं लिख देती हूँ। तो ग्लाइसिन में एच रहेगा, एलानिन में CH3 रहेगा, ठीक है। और वैलिन जो है उसमें क्या रहेगा, वैलिन में मैं स्ट्रक्चर ये वाला रिमूव कर दूंगी, नहीं दी या मेरा रहने दो। वैलिन में उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा ना, ये तो हमारे नॉर्मल रहेगा जैसे रहना है, दैट इज NH2 एमिनो ग्रुप रहेगा, का हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड हमारा रहेगा CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैलिन। ओके, ये हो गया हमारा वैलिन का स्ट्रक्चर। देखा सिर्फ ये आर जो है वो चेंज हो रहा है। अभी ये ल्यूसिन का, ये आर के इंस्टेंट में ये ल्यूसिन में क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है, ल्यूसिन में भी ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट रहेगा, बड़ा आर होगा CH2। वैलिन में सिर्फ CH2 आर होगा और ये वाला पार्ट रहेगा, मतलब इंस्टेड ऑफ आर यू कैन राइट CH2 CH CH3 CH3। Only this much difference. CH2 एक तो R हो जाएगा ल्यूसिन में, ओके। अभी आइसोल्यूशन में क्या होगा, आइसोल्यूशन में अभी ये जो CH3 आप यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिख रहे हैं ना, ये जो CH3 है ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है आइसोल्यूशन में।
मतलब ये instead of R, in case of leucine, we will write instead of R, that is CH, मैं बोली थी CH3 पहले आ जाएगा, CH3, then CH2, then CH3, ये तो हमको simple है, अगर यहाँ पे दो टो है और दो टो ही चाहिए तो H दो टो हो गया, ये हो गया हमारा आइसोल्यूशन का स्ट्रक्चर. दिस मच सिंपल. आइसोल्यूशन जब आएगा तो आइसो वो ये जो सी एस थ्री ऊपर रहेगा, यहाँ पे तीन ठो ही ऐसे कार्बन हो गए, बस सी एस थ्री ऊपर जाएगा. तो अभी प्रोलिन की बात आ रहा है तो प्रोलिन थोड़ा डिफरेंट है. प्रोलिन का हाँ मैं और एक जो बात बताई थी जो कि नोट करने वाला पॉइंट है, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड है जहाँ पर कि इंस्टेड ऑफ एमिनो ग्रुप नहीं होता है, एमिनो ग्रुप नहीं होगी वो इमिनो ग्रुप होता है. इमिनो ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन एच. सो वो होता है प्रोलिन. प्रोलिन में हमारा इमिनो ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप नहीं होता है. प्रोलिन में एक ठो और एक ठो हाइड्रोक्सी प्रोलिन, मतलब ये प्रोलिन रिलेटेड जो है वहां पर क्या है, इमिनो ग्रुप है, अमीनो में इमिनो, आई एम आई एन ओ, इमिनो. ठीक है, अभी ओ लो अभी मैं प्रोलिन का स्ट्रक्चर बना देती हूँ. प्रोलिन का स्ट्रक्चर क्या है ना, अभी ये सिर्फ आर का जो है चेंजेस में वो लिख रही हूँ. ओके, ये जो बैकबोन है वो नहीं बना रही, लेट मी रिमूव इट क्योंकि जगह नहीं होगा. ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है वो आप नोट में लिख दीजिएगा. ठीक है, लिख लेना तो बेटर है, अभी वीडियो देखते देखते लिखना, फिर बाद में बिना देखे प्रैक्टिस करते करते लिखना. आप जितनी बार इनको सब रिपीट करोगे ना उतने अच्छे से ये याद रह जाता है. ठीक है, और फिर प्रोलिन का जो डायग्राम कि सिर्फ इतना ये वाला अगर आइसोलेशन का स्ट्रक्चर है बोलोगे तो हंस देंगे सारे, ये क्या बना रहा है ऐसे सोच के. इसका बैकबोन रहना जरूरी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन, एन एच टू. ओके, अभी आ गया प्रोलिन. प्रोलिन का वैसे आर का स्ट्रक्चर में क्या था ना, ऐसे तो फिर मैं बना देती हूँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अमीनो ग्रुप है नहीं तो इमिनो है, तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना. सी ओ ओ एच है, हाइड्रोजन भी होगा मैं बोल रही थी, एंड अमीनो ग्रुप नहीं होगा तो यहाँ पर एन एच. ठीक है, और एन एच के बाद तीन टू सी एच टू, एक दो एंड यहाँ पर तीन ज्वाइंट कर लेना है. दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलिन, देखते हैं. हाँ ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलिन, ये है इमिनो ग्रुप, अमीनो नहीं. ठीक है, ये तो आप किसी में भी कोई बुक में भी ऐसे भी पा सकते हैं. अगर यहाँ से लिखना चाहते हैं तो आप जल्दी लिख दीजिए. ठीक है, पॉज करके लिखना. प्रोलिन का स्ट्रक्चर हो गया, हमारा पहला जो था एलिफैटिक उनका स्ट्रक्चर हो गया. नाउ कम टू हाइड्रोक्सी एलिफैटिक. हाइड्रोक्सी एलिफैटिक फ्रॉम द नेम इटसेल्फ दैट इज हाइड्रोक्सी, मतलब OH लगा होगा जरूर. तो यहाँ पे सेरिन का सेरिन भी क्या होगा ना, सेरिन का आर, सिर्फ आर बनाने बता रही हूँ, सी एच टू ओ एच दिस मच. ओके हाँ, सी एच टू ओ एच. और थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर ना सेरिन का जो स्ट्रक्चर है ये है सेरिन, मतलब यहाँ पर देखो सी सी ओ ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर अमीनो ग्रुप, ये सारे कॉमन रहेंगे. अभी मैं तेरा लिख रहा, दिख रहा होगा या नहीं, दिख रहा होगा ना. ठीक है, ये जो थ्रियोनिन का जो स्ट्रक्चर है ये वाला जो पार्ट ये सेम रहेगा. हाँ सेम रहेगा, देखो सिर्फ क्या आर हो जाएगा ना, सिर्फ एक सी एच थ्री आर हो जाएगा. ठीक है, थ्रियोनिन में सी एच थ्री वाला, थ्रियोनिन में सी एच थ्री एक तो आर हो जाएगा, दैट इज सी एच ओ एच. मैं बोली थी कि जैसे तो वैसा रहेगा, मतलब सी एच ओ एच वाला तो रहेगा, और यहाँ पर एक तो सी एच थ्री आर हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हम सी एच टू नहीं लिख सकते हैं ना, ये सिर्फ वन टू. और एक यहाँ पर उसका दूसरी तरफ लगा है ये बैकबोन, राइट. तो सी एच टू सी एच ओ एच मतलब ये वाला पार्ट रहेगा, पर सी एच थ्री आर हो जाएगा थ्रियोनिन में. ओके, ये वाला स्ट्रक्चर भी हो गया, कितना कितना सिंपल है. अभी हम आ जाएंगे एरोमेटिक में. ये रूम में ना ज़्यादा ही गर्मी होता है, और कंडीशन ऐसा है कि मैं यहाँ पर फैन भी नहीं चला सकती, क्योंकि अगर मैं फैन चलाऊंगी ना तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगा नहीं, मुझको जोर से बोल मतलब बोलना पड़ रहा है. कोई बात नहीं है.
अभी एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक जो है वहां पे रिंग स्ट्रक्चर होता है, राइट? एरोमेटिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर। अभी फिनाइल एलिमेंट के स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो ये वाला है सी, COOH दैट इज एन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर NH2। ओके, आर का स्ट्रक्चर से क्या होगा ना, CH2 और एक तो रिंग लगा देंगे, दैट्स इट। ओके, ये वाला होगा रिंग। ये हो गया हमारा फिनाइल एलिमेंट का स्ट्रक्चर। अभी हमारा टाइरोसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा ना, बहुत सिंपल है। टाइरोसिन में हम सिर्फ बेस लगा देंगे जी, तो ये टाइरोसिन बन गया। देखो नेक्स्ट में हमको क्या ऐड करना है, वो सारे याद रखना है, कहाँ पे CH3 ऐड हो रहा है और यहाँ पर बस OH ऐड हो रहा है टाइरोसिन में। और अभी आ गया ट्रिप्टोफैन, ये थोड़ा राजा वाला है। ये ट्रिप्टोफैन क्या है ना, ग्लाइसिन को मैं बोली थी कि दैट वन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अभी ये अगर सिंपलेस्ट हो गया तो कॉम्प्लेक्स भी एक होगा, तो सबसे कॉम्प्लेक्स वाला अमीनो एसिड कौन सा है? दैट इज ट्रिप्टोफैन। उसका स्ट्रक्चर भी आप देख लेना, वैसे ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बट कोई नहीं, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो बनाएंगे, ठीक है? अभी ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर मैं सिर्फ आर वाला पार्ट बना रही हूँ। ओके, सिर्फ आर, ठीक है, इसका सिर्फ आर लिख रही हूँ। CH2 है, फिर क्या है ना, सी डबल बॉन्ड CH और NH, फिर क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 होगा, 5 ये हो गया। देखो 5 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये हो गया हमारा ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर वाइज भी कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है? एक तो यहाँ पे तो बैकबोन लगेगा एंड इधर है CH2, सी डबल बॉन्ड CH, देन NH। अभी आप नहीं सोचेंगे कि NH तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे तो NH2 भी प्रेजेंट होगा ना इसके बैकबोन में, NH2 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट्स बैकबोन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट कम टू द बेसिक, मैं तो मेरे प्रीवियस क्लास में मैं आपको कुछ दिखा दी थी, प्रीवियस क्लास में तो ये अमीनो एसिड का जो एक वीडियो था वहाँ पे मैं बता दी थी कुछ बेसिक एंड एसिड का, एसिडिक का स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं बताऊंगी। तो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा ना, मैं ट्रिप्टोफैन रख कर देती हूँ, जिस जिनको लिख लिया होगा वो पॉज करके लिख लिया होंगे। अभी ये बेसिक का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब बेसिक मतलब क्या, जहां पे जो अमीनो एसिड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होगा बट दो ठो अमीनो एसिड होगा तो उसको हम बोलते हैं द बेसिक अमीनो एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो ठो है एंड एक NH2 है उसको बोलते हैं एसिडिक। तो यहाँ पर हमारा अभी तक पता चल गया हिंट से ही कि और एक तो NH2 हमारा जरूर आर में प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो आर में अगर NH2 प्रेजेंट होगा तो लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सिर्फ आर का लिख रही हूँ, CH2 होल 4 NH2, NH2 तो लगेगा, बस यहाँ पर 4 ठो CH2 है, ठीक है? और जो आर्जिनाइन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 4 ठो CH2 है ना, आर्जिनाइन जब आ जाएगा यहाँ पर 3 ठो CH2 हो जाएगा, CH2 3 ठो है, फिर आएगा NH, फिर आएगा सी डबल बॉन्ड NH, देन आएगा NH2, लास्ट में तो NH2 लग रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि 2 ठो NH वाला है, पहले तो यहाँ पर 3 ठो CH2 है, NH है, फिर सी है डबल बॉन्ड होके NH है, 2 ठो NH है, लास्ट में NH2 है, ऐसे करके आपको याद रखना है। फिर आ जाएगा हिस्टिडीन, इसका भी थोड़ा अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे कि सिर्फ आर का मैं बना रही हूँ हिस्टिडीन का, ठीक है? हिस्टिडीन का कैसा स्ट्रक्चर है ना, CH2 यहाँ पर उसका बैकबोन लगा होगा, ये तो आर का है CH2, अभी यहाँ पर एक पेंटागन वाला आप रिंग बना देंगे, ठीक है? पेंटागन वाले रिंग बना देंगे जब, तो यहाँ पर NH और यहाँ पर खाली NH
पेन लगा लेना है। ये हो गया आपका कैरेक्टर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडाइन, जो कि एक पेंटागोन वाला एक रिंग होगा, जहां पर इस तरफ रहेगा NH, यहां पर रहेगा N, डबल बॉन्ड है, और वो CH2 से कनेक्ट होगा। ठीक है, मैं दिख रही हूँ, मैं कॉपी में भी थोड़ा थोड़ा दिख रही हूँ, क्योंकि गलत बता दूंगी तो मुझको खराब लगेगा ना, वीडियो बना रही हूँ और गलत बताऊंगी, मैं नहीं चाहती हूँ वैसे, क्योंकि मैं भी ये लर्निंग फेज में हूँ ना, पर मास्टर तो नहीं हूँ, इसीलिए ये हो गया हमारा सिर्फ आर है। ठीक है, आर है जो कि हिस्टिडाइन का है। अभी ये हो गया बेसिक वाला। फिर आ जाएंगे एसिटिक अमीनो एसिड में, जो कि मैं बोली थी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो ठो होंगे और एक ठो अमीनो एसिड होगा। तो ये ग्लूटामिक एसिड है एंड एस्पार्टिक एसिड है। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन नो दैट दे आर द एसिटिक अमीनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड में आर का स्ट्रक्चर होगा दो ठो CH2, फिर COOH तो लास्ट में रहना ही है, क्योंकि एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड है। बेसिक अमीनो एसिड में NH2 रहता था। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड के लिए। अभी एस्पार्टिक एसिड के लिए सिर्फ एक तो CH2COH, सिंपल। ए तो पहले आएगा, मतलब स्मॉल है, स्मॉल है मतलब एक तो ही CH2 लगेगा COH। ठीक है, जी बाद में आता है, तो दो तो CH2 देन COH, दिस मच आर का, आर का। और बैकबोन आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप ऊपर एच सी में जो कनेक्ट होते हैं। नाउ अमाइड साइड चेन, अमाइड प्रेजेंट होगा साइड चेन में। यहाँ पर जो साइड चेन है वहाँ पे अमाइड प्रेजेंट होगा, और वो अमाइड वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पता है? NH2 तो लगेगा, उसके साथ इस N पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहना चाहिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, देखो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड में पहले दो ठो CH2 लगे हैं, फिर एक ठो CH2 लगा होगा, लगा है, तो यहाँ पर भी अमाइड साइड चेन में भी वैसे ही ट्रिक है। दो ठो CH2 पहले ये ग्लूटामाइन पे लगेंगे, जी में दो ठो है, जी 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 फॉर जी जी जी, यहाँ पर भी दो ठो CH2 थे, यहाँ पर भी दो ठो CH2 होंगे। ठीक है, तो वैसे हम CH2 लिख देंगे। CH2 के लिखने के बाद ये अमाइड साइड चेन वाला होगा, तो C डबल बॉन्ड O और C के साथ NH2 ये NH2 है। मैं बोली थी कि N के साथ हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, तो ये है हमारा फॉर्मूला। और नेक्स्ट में जो एस्पाराजाइन है वहाँ पर भी AA, देखो एस्पाराजाइन में क्या होगा, N टू CH2 लगेगा और बाकी ये सब सेम रहेगा, C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज द एस्पाराजाइन एंड दिस इज द ग्लूटामाइन, क्लियर। अभी हमारा आ जाएगा 16-methionine का, जो हमारा बाकी है वो है 16-methionine। 16-methionine क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर तो प्रेजेंट ही होगा। सिस्टम का बहुत ही सिंपल है, आर जो है CH2S, खत्म CH2H। और यहाँ पर जो है ये वाला थोड़ा अच्छे से हो गया, दो तो CH2 आएगा, फिर S आएगा, फिर CH2, हाँ वैसा है। मिथ्योनाइन में क्या है ना, CH2, फिर S, फिर और एक बार CH2, दिस मतलब C हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H, फिर H, फिर यहाँ पर आएगा NH2, देन CH2, CH2, S, CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथ्योनाइन। सिस्टीन में तो CH2S लगेगा, आर के इंस्टेड, मतलब यहाँ के इंस्टेड CH2S। सो ये हो गया हमारा, मैं सारी स्ट्रक्चर में कवर की हूँ। आई होप कि आप भी ये स्ट्रक्चर, आपको भी सिंपल लग रहा होगा कि कर पाएंगे और याद रह जाएगा, वैसे लग रहा होगा, जरूर याद हो जाएगा। अब थोड़ा बस ये थोड़ा थोड़ा जो ट्रिक है वो माइंड में याद रखना है और थोड़ा प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा यार, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बोली थी कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ आपको सरप्राइज दूंगी, यानी कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ जो कि आपको जानना भी जरूरी है। वो ये है कि हमारे माइंड को ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए या फिर किसी भी बात के लिए स्ट्रेस है, तो वो ज़्यादा देर तक स्ट्रेस में हमको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड स्ट्रेस कैरी करने के लिए है ही नहीं। मतलब हमारा माइंड ना 36 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहना नहीं चाहता है।
बोलते हैं ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड सर्वाइव, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी नहीं, वैसे टाइप का बात है। तो आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग रखिए, और स्ट्रेस ज्यादा हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये मुझे याद रह जाए, ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए, अगर स्ट्रेस है आपके मन में, सो प्लीज उसको कुछ सेकेंडों में ही उसको बोले नहीं सोचना है मुझे, स्ट्रेस फ्री होके काम करिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे मैं कभी कभी ऐसे बातें शेयर करने में मुझे खुशी होती है। अभी तो ये लेसन खत्म हुआ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय।